हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज हेमंत कुमार। आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 3। हमने लेक्चर नंबर 1 में चार्ज की प्रॉपर्टीज़ और चार्ज के बारे में डेफिनेशन को स्टडी किया था, और अपने पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 था उसके अंदर हमने कूलम्स लॉ एक्सप्लेन किया था। अब जो बात करेंगे हम, जो अपना लेक्चर नंबर 3 है वो इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया। मान लो अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक एरिया है। अगर इसके अंदर कोई और पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर यहाँ पर मान लो माइनस चार्ज आया तो इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सपोज करो अपने पास चार्ज यहाँ पे है, तो क्या ये अब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया सिर्फ कितना अपने पास ये, ठीक है। जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज किसको बोलेंगे, सोर्स चार्ज कि जिसकी वजह से फील्ड है। और जो अपने पास जिस चार्ज को हम लेके आए इनको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज। हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं स्मॉल मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड भी स्मॉल, कितना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हमेशा, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमेशा हम क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज को। और ये हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी कि द स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड एनी सोर्स चार्ज। ठीक है, एक स्पेस सराउंड एनी सोर्स चार्ज इन विच, जिसके अंदर अनदर चार्ज, जिसके अंदर अगर हम अनदर चार्ज को लेके आएंगे, इन विच अनदर चार्ज feels the force of, feels the electrostatic force, है ना। हम अगर electrostatic की बात करें तो electrostatic force of interaction, अब फिर से interaction आ गया, और interaction का मतलब हमने क्या बताया था, interaction का क्या मतलब होगा, repulsion हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव, अगर लाइक चार्जेज होंगे तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक चार्ज होंगे तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अपने पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। एंड इट इज मेनली रिप्रेजेंटेड बाय ई, ठीक है, ई। हमने देखो ऊपर क्या लगाया, ये एरो, इसका क्या मतलब हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। बात समझ में आया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अपने पास एक स्पेस अराउंड होगा किसी भी सोर्स चार्ज का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, चलो पहले इसको समझते हैं। मान लेते हैं अपने पास एक सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से यहां पे क्या होगा, अपने पास इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो एक पॉइंट ए है और यहां पे कोई चार्ज है, अपने पॉइंट है बी, क्या ए पॉइंट और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। क्वेश्चन क्या है, क्या ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, क्या वो सेम होगी, अलग अलग होगी। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख रहा हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, तो क्या दोनों के ऊपर फोर्स सेम लगेगा, नहीं लगेगा। जो पास होगा उसके पास उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। आप कहोगे क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है कूलम फोर्स, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेरी करेगा। तो अपने पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बोले तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द
स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज। ठीक है, किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर क्या बताया गया है, स्ट्रेंथ बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इसके अगर दूसरी डेफिनेशन की मैं बात करूं, और क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स, कौन सा फोर्स, हम यहाँ पे बार बार नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर हम चार्ज की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगेगा, है ना, कूलम फोर्स लगेगा। तो हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रो फील्ड इंटेंसिटी इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखो कैसे, देखो तो इसका अपने पास फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले की बात करें, अगर हमारे पास ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, बात एक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये बात समझ में आया, ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब मानना हमने कि मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज है क्यू, सोर्स चार्ज, और इसके आर डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है क्यू नॉट, उनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, आर है। तो क्या इन दोनों के बीच में, सबसे पहले देखो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, इधर, क्यों भाई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, और ये भी कौन से पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन हुआ। सेकंड, अब इनके बीच में फोर्स कितना हो गया, फोर्स के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वेयर। अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो ये क्या बन गया, आर कैप, है ना, आर कैप के यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वेयर अपॉन में क्या है, क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर। अगर वेक्टर की बात करें तो पीछे क्या लगा देंगे, आर कैप। तो हमारे पास वो क्या आ गया, रिजल्टेंट फॉर्मूला आया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, के क्यू बाय आर स्क्वेयर। अच्छा, अब के क्यू बाय आर स्क्वेयर अपने पास आया है, यहाँ से हमें एक चीज़ और पता लग रही है, क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही, वो किस पे डिपेंड कर रही, सिर्फ सोर्स चार्ज पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स अपॉन टेस्ट चार्ज, उसको टेस्ट चार्ज से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी। अच्छा, सेकेंडली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ किसकी, फोर्स की। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इधर होगा। बात समझ में आया, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मेरे पास टेस्ट चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव फोर्स किधर लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इधर ही है। अगर मेरे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव है और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज, फोर्स इधर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है अपने पास, इधर ही है। बात समझ में आया, तो इससे क्या आप कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन निकला हमारे पास इससे निकला कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन। तो अपने पास ये क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो बेसिकली देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, बेसिकली अगर इसको बेसिक देखें ना इसका बिल्कुल कि भाई होता क्या है, तो देखो क्या होता है कि मान लो अपने पास ये टेस्ट चार्ज है, अपने पास मान लो सोर्स चार्ज है, तो इसके चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ तो होता होगा, कोई जादू थोड़ी ना कैसे फूक मारेगा यहाँ पे कोई चार्ज है उसके ऊपर उसको रिपेल करेगा। तो इसको रिपेल कर कौन रहे? तो यहाँ पे एक सजेशन दिया, क्या दिया कि इसके बीच में बेसिकली क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, कुछ लाइन है इस तरह से जो क्या करेगी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगा रही है, अट्रैक्ट रिपेल वगैरह। कौन कर रही सारा ये? जैसे हमने मैग्नेट के अंदर क्या देखा था, हमने देखा था यहाँ पे नॉर्थ पोल था और यहाँ पे साउथ पोल था, और मैग्नेट से क्या नॉर्थ पोल से निकल के ऐसे साउथ पोल में लाइन्स जा रही थी। ये भी हाइपोथेटिकल थे नेचर में, किसी को दिखती नहीं है, हाइपोथेटिकल है नेचर के अंदर ये, हम नहीं बोल सकते देखो लाइन जा रही है, नहीं ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली ये भी अपने पास क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसमें नॉर्थ से साउथ में जा रही थी, इसमें क्या बोल देंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर क्या मिलेगी हमें, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मिलेगी। तो अपने पास इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे इसकी, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दीज आर हाइपोथेटिकल इन नेचर। हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, दीज आर हाइपोथेटिकल इन नेचर विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन, और वी कैन से इंफॉर्मेशन नॉलेज, विच गिव अस द इंफॉर्मेशन नॉलेज किसके बारे में, अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बात नंबर एक। नंबर दो, दीज मे बी कर्व और स्ट्रेट, ये स्ट्रेट भी हो सकती है और अपने पास क्या हो सकती है कर्व भी हो सकती है। तो अपने पास क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें देखो, और सेकेंडली क्या हो गया इसके, अच्छा ये तो अपने पास इलेक्ट्रिक लाइंस हो गई, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज क्या बोलता है इसकी, प्रॉपर्टीज में बोलेंगे इसकी कि नंबर वन, अपने पास अगर कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको पी पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करेंगे हम इस पी पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या देगा हमें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, मींस इन कर्व लाइंस, कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंट विल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे जो ईपी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कौन देगा डायरेक्शन, टेंजेंट। कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर टेंजेंट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। नंबर दो इसका अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो क्या अपना हो गया अपने पास नंबर दो प्रॉपर्टीज की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है आर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जो अपने पास पॉजिटिव चार्ज है उससे क्या है रेडियली आउटवर्ड है, कैसे देखो, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे निकलेगी, देखो रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। एंड रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, और अगर अपने पास नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ मिलेगी रेडियली इनवर्ड, देखो कैसे, ऐसे दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ लाइन्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा इसकी, अपने पास इसकी प्रॉपर्टी टू हो गई।
उसके बाद हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर थ्री, दैट इज नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो से ज्यादा या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने पास एक ही जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लिया, दूसरी अपने पास जा रही है E2। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आपसे बोला जाए बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, तो अगर मैं E1 की बात करूँ तो इसका टेंजेंट इधर ड्रॉ कर देंगे, इसका टेंजेंट किधर हो गया इधर। क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो सकती है? क्या P पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन बता दोगे? अगर भाई मान लो अपने पास इस पे बताएंगे तो आप बोलोगे इसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर देखो दो डायरेक्शन हो गए जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, और एक पॉइंट पे कभी दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो नहीं सकती। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास अब की बार CBSE 2020 में पूछा भी गया था। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो एग्जाम हुआ था ना, फर्स्ट टर्म हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें पूछा गया था ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नंबर फोर, अगर अपने पास कॉम्बिनेशन एक पॉजिटिव चार्ज है एक अपने पास नेगेटिव चार्ज है, और बोला जाएगा आपके कि बताइए पैटर्न कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो कैसा बन जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे बनेगी, ऐसे है ना, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड है और नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन है, लाइक दैट। तो अपने पास क्या रहेगी डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए नंबर फाइव कि अगर अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है ये यार, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको चलो मैंने बोल दिया क्यू, पॉजिटिव क्यू, और इसको मैंने क्या बोला पॉजिटिव क्यू, एक मिनट अच्छे से करते हैं ना, ये लो अब बताओ। अब आपसे बोला और Q1 है, इसको Q1 बोले इसको Q2, और Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की जो नेचर है चार्ज का वो भी सेम है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कैसे बनेगा? तो क्या बनेगा भाई, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये आउटवर्ड, अब इनवर्ड तो कभी जा नहीं सकते, इसका भी कहाँ जाएगा आउटवर्ड, तो यहां पे एक बिन के जो बिल्कुल सेंटर होगा ना, सेंटर पे बिल्कुल यहां पे हमें कोई भी इस P पॉइंट पे हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमें क्या मिलेगा, जीरो, और इसको क्या बोलते हैं लैटरल प्रेशर, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे के ऊपर क्या कर रिपल्शन कर रही है ना, लाइक चार्जेस, तो इसको इस प्रोसेस को इसको क्या बोलते हैं हम लैटरल प्रेशर। ठीक है, कि बोथ चार्ज या बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जर्ट प्रेशर ऑन ईच लाइंस, यानी एग्जर्ट अ लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। ठीक है, अच्छा अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई यहाँ पे अपने पास है Q1 और यहाँ पे मेरे पास Q2, बट जो Q1 है वो ग्रेटर देन है Q1 ज्यादा है, तो क्या अब भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो P पॉइंट बिल्कुल दोनों के बीच में है, क्या इस केस में भी ऐसा ही होगा? अब ये देखने, अब पावरफुल कौन सा चार्ज है, Q1 चार्ज है, तो Q1 चार्ज है तो जो लेटरल ये जो अपने P पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो ये ज्यादा निकलेगी, स्ट्रॉन्ग निकलेगी, क्योंकि भाई अपने पास चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम निकलेगी, ये इसको क्या कर देगी, रिपेल कर देगी, है ना, ये डायरेक्शन क्या रहेगी, इस साइड रहेगी, यानी कि जो अपने पास जो P पॉइंट है वो किधर हो गया, शिफ्ट टूवर्ड्स द किधर, जो अपने पास स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज है ना उसकी तरफ क्या हो गया अपने पास, ये P पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो अपने पास ये क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की,